राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार से ओड और इवन फॉर्मूला लागू कर दिया है। इस नियम के तहत ओड तारीख को ओड नंबर की कारें चलेंगी, जबकि इवन तारीख में इवन नंबर की कारें चलेंगी। दिल्ली सरकार ने इस नियम से ओला उबर सहित अन्य कमर्शियल वाहनों, दोपहिया वाहनों और महिलाओं को छूट दी है। क्योंकि सोमवार को 4 तारीख थी, तो ऐसे में सड़कों पर इवन नंबर की गाड़ियां ही चलती दिखाई दी। ऐसे में बाहरी रिंग रोड, बुराड़ी, संतनगर, आजादपुर, रोहिणी जैसे सरीखे मार्ग पर यातायात दबाव कम रहा। फॉर्मूले को सफल बनाने के लिए दिल्ली सरकार के अधिकारी भी सुबह से ही सड़कों पर नजर आए। नॉर्थ वेस्ट के SDM खुद लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर दिखाई दिए और साथ ही साथ सिविल डिफेंस और दिल्ली पुलिस का भी सहयोग लिया गया। हाथों में तख्ती लेकर लोगों को आजीवन नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। बहुत बढ़िया केजरीवाल ने किया है, क्यों जनता हर एक बीमारी ना आपको पता ही है, धुएं के नाल सांस लेना मुश्किल हो रहा है, आज लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। एक धुआं पराली का पहली गल तो पंजाब वाले को रोकना चाहिए, धुआं हरियाणा सरकार को रोकना चाहिए, केजरीवाल का तो जानबूझ के नाम ले रहे हैं। हद तक सही है, कम्प्लीटली नहीं है, इससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देखना चाहिए। सर हम बात कर दिया कि लगातार जो दूसरे स्टेट्स के अंदर पड़लियां जलाई जा रही है उसमें से ही पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, दूसरी स्टेट की जो गवर्नमेंट को इस चीज पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिसपे पॉल्यूशन आके रुके। तो ये तो पॉलिटिशियंस को आपस में बात करनी चाहिए ना सर, हायर लेवल पर, इसमें हम दिल्ली वाले क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं परेशानियां झेलनी पड़ रही है आपको इस ऑड इवन के चक्कर में, बहुत ज्यादा है। इस मुद्दे पर विपक्ष के राजनीतिक दल इसे राजनीति का मैच स्टंट बता रहे हैं, तो कई लोगों ने भी इसको कारगर नहीं बताया। कई लोगों ने कहा कि इससे उन्हें परेशानी हो रही है। कुछ लोगों का कहना था कि इससे प्रदूषण में कमी आएगी। कुल मिलाकर कुछ लोग इसके पक्ष में और कुछ लोग उससे नाराज नजर आए। राजधानी दिल्ली में लोगों का मिला जुला असर देखने को मिला। हमारे यहाँ पे 25 इस तरह के ट्रैफिक के पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पे हैवी ट्रैफिक है, और हमने जो है हर जगह पे लगभग जो है 10 के लगभग वॉलेंटियर्स जो है डिप्लॉय किए हैं। इस साइड पे जो है 10 वॉलेंटियर सिविल डिफेंस वॉलेंटियर हैं, प्लस ट्रैफिक पुलिस के भी लोग हैं, और ये पॉइंट जो है मैं खुद संभाल रहा हूँ। हमारे तहसीलदार और अन्य SDM भी जो है अलग अलग पॉइंट्स पे लगे हुए हैं, DTC के लोग। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यह नियम राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लागू रहेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि इस नियम के लागू होने के बाद प्रदूषण में कितनी कमी आती है। यूनिवर्सल न्यूज के लिए दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।